इसको पहले वाला। ओके, सभी को जय जिनेन्द्र, जय दु जड़ंदो, नमो जड़ाणम। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय बोलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी की जय। आज हम लोग एक नया प्राकृत का ग्रंथ शुरू करने वाले हैं 17 जुलाई 2019 को। अभी 10 दिन आपकी ब्राह्मी की कक्षाएं लगी थी, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से करी और आप अपना उसका अभ्यास प्रतिदिन जारी रखेंगे। प्राकृत की क्लासेस कुछ समय पहले लगाई गई थी, सर्टिफिकेट कोर्स की भी और डिप्लोमा की भी। अपभ्रंश साहित्य अकादमी जयपुर से जो कोर्स संचालित होता है उसकी दो सीरीज अलग अलग क्लासेज लगा के आपको यूट्यूब पे और फेसबुक पे रिकॉर्ड आपको मिल सकती हैं। और इसके बाद मुनिवर श्री प्रणब सागर महाराज जी के आशीर्वाद से जो पाए सिक्खा का एक चार भाग में है, तो उसके दो भाग आपके लिए ऑनलाइन रिकॉर्ड किए गए थे। और अब आप काफ़ी प्राकृत सीख चुके हैं, जिन्होंने नहीं सीखी है तो वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। बहुत अच्छे से इजी भाषा में दोनों प्राकृत के पूरे कोर्स हैं। आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना हो तो उन कोर्सेज की क्लासेज में उसकी विधि दी गई है, फॉर्म भी दिए गए हैं और रजिस्ट्रेशन आप कभी भी करा सकते हैं जयपुर में अपभ्रंश साहित्य अकादमी में या पाई सिक्खा में। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए, बहुत दिनों से कोई प्राकृत का आगे का कंटिन्यूशन नहीं हुआ था, तो एक नया ग्रंथ जो आपके सामने हम कैमरे में दिखा रहे हैं, मोक्ष पाहुड। बहुत अच्छे से श्रीमती शकुंतला जैन जी ने इसका प्राकृत का अनुवाद किया है और डॉक्टर कमल चंदन सोगाड़ी जी ने इसका संपादन किया है। बहुत अच्छा रोचक ग्रंथ है, बहुत कम शब्दों में बिना कोई प्रवचन या टीका किए हुए सीधे प्राकृत से उसके वर्ड बाय वर्ड हिंदी की गई है और उसका अर्थ किया गया है और विभक्तियाँ हर शब्द की कि कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, ये पूरा दिया है। तो हमारा भी उद्देश्य यही रहेगा कि इस ग्रंथ में 106 गाथाएं हैं मोक्ष पाहुड़ में, उसको प्रतिदिन 4 या 5 गाथाएं ऑन एवरेज हम लेंगे, अच्छे से लिखेंगे, उसका अर्थ लिखेंगे। प्राकृत के कोर्सेज में आपने सीख ही लिया है कि कौन सी विभक्तियाँ होती हैं, कौन से वचन होते हैं, उसका साथ साथ रिवीजन होता रहेगा और बताते रहेंगे कौन सा वचन है, कौन सा लिंग है और कौन सी विभक्तियाँ हैं और कौन से कृदंत लगे हैं उसमें। तो इस प्रकार से आज से ये वाला ग्रंथ आप शुरू करेंगे और आप अभ्यास भी कर सकते हैं। जितने जितने पेजेस, जितनी जितनी गाथाएँ होती जाएंगी वो आपको वीडियो में स्कैन करके डाल दी जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। आचार्य कुंद कुंद रचित अष्ट पाहुड़ के अंतर्गत ये मोक्ष पाहुड़ है, मोक्ष पाहुड़। सबसे पहले आज केवल बेसिक देखेंगे और कल से गाथाएं शुरू करेंगे। तो यहाँ बहुत अच्छा इन्होंने जो बातें लिखी हैं वो जो हमें अच्छी लगी वो आपके लिए बोर्ड पे लिखवाएंगे और आप लोग अपनी कॉपी पेन ले सकते हैं। 106 गाथाएं हैं, लगभग अगर 4-5 गाथाएं प्रतिदिन होंगी तो 25 से 30 दिन इस कोर्स को करने में आपको लगेंगे और इसमें कोई भी प्रवचन नहीं होगा, कुछ भी ज़्यादा नहीं समझाया जाएगा, सीधे शब्दार्थ और आपको अपने भावों से अपने आप उसका अर्थ निकालना है। आचार्य कुंद कुंद जो हैं उनका नाम हमारी भारतीय संस्कृति में, जैन संस्कृति में बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। आज भी जो भी मंगलाचरण होता है जिनवाणी का, जैन धर्म का, तो सबसे पहले कुंद कुंद आद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम उसमें बोला जाता है। तो कुंद कुंद आचार्य इस युग के सबसे विद्वान और सबसे महत्वपूर्ण आचार्य रहे हैं। संस्कृत में और प्राकृत में दोनों विद्याओं में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हैं। प्राकृत में उनका शौर सैनी प्राकृत में ज़्यादा उनके ग्रंथ हैं। उसके बाद के कालों में संस्कृत वगैरह ज़्यादा प्रचलित हुई, उस समय शौर सैनी प्राकृत जो दिगंबर आमनॉय की सबसे ज़्यादा मानी जाती है अर्धमागधी में ग्रंथ हमारे श्वेतांबर आमनॉय में ज़्यादा लिखे गए। माफ़ कीजिएगा, इनका शायद कोई ग्रंथ संस्कृत में नहीं मिलता है, इनके ज़्यादातर ग्रंथ अभी प्राकृत में ही है। कुंद कुंद आचार्य के उनके काल के बाद संस्कृत के ग्रंथ लिखे गए थे, पूज्यपाद स्वामी या हमारे उमा स्वामी ने तत्वासूत लिखा तो उस समय लिखे गए।
इनका समय सबसे पहले हम आज जो मोक्ष पाहुड के रचनाकार कौन है, आचार्य कुंदकुंद। आप अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं आचार्य। आज पूरा बेसिक बताएंगे मोक्ष पाहुड क्या है, रचनाकार का इतिहास, मोक्ष पाहुड के अंदर क्या क्या बातें कही गई हैं, और उसके बाद कल से आपकी गाथाएं लेंगे। प्रतिदिन एक घंटे की क्लास लगेगी। शौर सैनी प्राकृत, शौर सैनी प्राकृत, आपने ब्राह्मी लिपि सीखी है तो प्राकृत भाषा हुआ करती थी, और बाद में जो ब्राह्मी लिपि में अभिलेख इत्यादि लिखे गए। शौर सैनी प्राकृत इनका है, और समय प्रथम शताब्दी ईस्वी जो विद्वानों ने बताया है, प्रथम शताब्दी। अभी जैसे कहते हैं 20वीं 21वीं शताब्दी चल रही है 2019, तो इसी प्रकार से जब ईसा मसीह के ठीक बाद की इनका काल है, तो प्रथम शताब्दी ईस्वी। एक ईसा पूर्व होता है, यानी ईसा मसीह जो क्रिश्चियंस के हैं तो उनके जन्म से पहले के काल को ईसा पूर्व बोलते हैं, उनके जन्म के बाद के काल को ईस्वी। लगभग इसी काल में ही हमारे आचार्य भद्र बाबू हुए, आचार्य और भी उस समय के जो भी आचार्य हुए वो सब पहली शताब्दी के आसपास के हैं। अशोका वगैरह का भी काल थोड़ा इससे पहले का है, इसी के आसपास के हैं। तो इनका जो गांव था उसका नाम था कोंडकुंद, और उस गांव के नाम पर ही इनका नाम भी कोंडकुंड ही आता है। इनका जो ओरिजिनल नाम है कुंदकुंद का वो आता है कोंडकुंद। अब देखिए जो हमने ब्राह्मी में और प्राकृत में आपको बताया था, अब यहाँ बोल क्या रहे हैं हम, कोंड। कैसे बोलेंगे मैम? कोंडकुंद। यहाँ पे हमने ये वाला ना लगाया है और यहाँ ये लगाया है, बताइए क्यों? बताइए। ये अड़ा जो है हमने ये लगाया है, यहाँ ये लगाया है, तो इसको हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा? अभी हमने जो क्लासेस कराई थी तो उसका रिवीजन कीजिएगा ठीक से। यहाँ पर ये कौन से वर्ग में है? ट ठ ड ढ ण, ठीक है। तो जब ट वर्ग में है तो लास्ट में क्या आ रहा है? ण। तो जब भी आधा शब्द आएगा तो इसका आधा लेंगे। यहाँ कौन सा है? त थ द ध न। तो जब द आएगा तो उसमें कौन सा वर्ड लेंगे? ट ठ ड ढ ण। इस वर्ग में किसी भी लेटर पे अगर कोई भी आधा ण के बाद अंत होगा तो उसके लिए क्या लगेगा? इसका आधा। जब इस वाले में त थ द ध न, जब इसमें अंत होगा तो क्या लगेगा? इसका आधा न। ये बहुत बेसिक रूल है, संस्कृत का ही है, तो ये आपको सबको पता होना चाहिए कि ये वाले न का प्रयोग कब होता है, इसका कब होता है, और जो ये वाला ण है इसका आधे का प्रयोग कब होता है, है ना? क वर्ग में कोई भी शब्द पे अंत होगा तो ये लगेगा, ठीक है। तो ये जरूर आपको पता होना चाहिए, बार बार इसका उपयोग आएगा। जैसे डंडा हम लिखते हैं तो उसमें क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे। कंचन जब हम लिखेंगे तो क्या लगाएंगे? पहले भी आपको अभ्यास कराया है कंचन, इसमें कैसे लिखेंगे? क्यों? क्योंकि च वर्ग है, च छ ज झ ये वाला ना, तो इसमें च वर्ग में अंत हुआ है। यहां पे क्या आ रहा है बताओ मैम? यहां क्या आ रहा है? च आ रहा है, तो च के अंत में क्या है? तो इसको क्या लगाया? ये लगाया। यहाँ पर आप ये या ये नहीं लगा सकते, ये बेसिक रूल है आपका संस्कृत हिंदी, और वही रूल यहाँ पर जब भी आता है तो हम आपको जरूर बता देते हैं। तो इनका नाम क्या था? कोंडकुंद। उनकी रचनाएं, बहुत सारी प्रमुख रचनाएं हैं, उनमें से प्रमुख समयसार। समयसार किसने लिखा? आचार्य कुंदकुंद ने लिखा है। मोक्ष पाहुड भी उन्होंने लिखा है, और समय सार इनकी रचना है सबसे प्रमुख, बहुत फेमस है। प्रवचन सार, इसके अलावा पंचास्तिकाय, पंचास्ति
काय। उसके बाद नियम सार, जितने भी बड़े बड़े बहुत नामी ग्रंथ हैं आज के समय में, वो सब आचार्य कुंड कुंड के द्वारा रचित हैं। रयण सार, उसके बाद दस भक्ति, यहाँ पर दूसरे बोर्ड पे हम लिख रहे हैं दश भक्ति, ये भी इन्हीं का लिखा हुआ ग्रंथ है। उसके अलावा बारसाणु वेखा, बार सा अणुवेखा, बारस अणुवेखा भी इसको बोलते हैं, बारस अणुवेखा या बारसाणु वेखा संधि कर दी। तो इसके बाद इसके आदि, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण इनका ग्रंथ है अष्टपाहुड़। अष्टपाहुड़ हमने अंत में इसलिए लिखा है क्योंकि अष्टपाहुड़ में आठ ग्रंथ हैं, आठ भाग हैं इसके। अष्टपाहुड़ माने आठ, आठ भाग। तो आठ भाग कौन कौन से हैं? नंबर वन दर्शन पाहुड़। अष्टपाहुड़ के अंदर आता है जो हम ये ग्रंथ आज पढ़ने वाले हैं मोक्ष पाहुड़। अष्टपाहुड़ के अंदर ही ये मोक्ष पाहुड़ है, तो इसलिए आठ प्रकार के ये ग्रंथ हैं, इसमें भाग हैं अष्टपाहुड़ में। दर्शन पाहुड़ दूसरा है, सूत्र पाहुड़ तीसरा इसका है, चारित्र पाहुड़ फोर्थ पार्ट है इसका, बोध पाहुड़ फिफ्थ है, पांचवा भाग भाव पाहुड़। ये सारे आपको याद रखने हैं हमेशा कि अष्टपाहुड़ के कौन कौन से आठ भाग हैं। सिक्स नंबर पे है आपका मोक्ष पाहुड़, जिस ग्रंथ का स्वाध्याय हम करने वाले हैं। उसके बाद है लिंग पाहुड़ सातवां, लिंग पाहुड़। और अंत में आठवां है आपका शील पाहुड़, जैसा जिस पाहुड़ का नाम है उसके अंदर उसी प्रकार से उसी के रेफरेंस में गाथाएं हैं। इन सारे पाहुड़ में मिलाकर कुल 503 गाथाएं हैं, सभी सौरसेनी प्राकृत में हैं। कितनी हैं कुल? 503। और अब जब हम मोक्ष पाहुड़ करने वाले हैं, मोक्ष पाहुड़ में कितनी गाथाएं हैं? 106 गाथाएं। ठीक है, अब इसकी विषय वस्तु क्या है? जैसा नाम में है मोक्ष पाहुड़, तो मोक्ष पे जाने का रास्ता, मोक्ष को अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से समझाया गया है, अलग अलग सिद्धांतों में दर्शनों में, के निर्वाण भी बोलते हैं इसको, जीवन मरण के चक्र से मृत्यु भी बोलते हैं, संसार के कष्टों से मृत्यु बोलते हैं, 84 लाख योनियों में भटकने से जो मुक्ति मिलती है उसको मोक्ष, सभी धर्मों में एक रूपता है। लेकिन कहीं कहीं जैन धर्म में आया है कि मोक्ष का मतलब है कि आत्मा सिद्ध शिला पे चली जाती है और अष्टकर्मों से रहित हो जाती है, जबकि अन्य धर्मों में निर्वाण का अलग अलग तात्पर्य है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी वापस आ जाते हैं, कई कई धर्मों में इस प्रकार से वर्णन दिया हुआ है कि अवतार ले लेते हैं, दोबारा आते हैं, तो ऐसा जिन दर्शन में नहीं है। एक बार मोक्ष प्राप्त हो गया तो दोबारा इस संसार में वापस आने का चक्कर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, तो वो चीज़ मोक्ष पाहुड़ ग्रंथ में हमें बताई गई है। इसकी पिक्चर ले लीजिए, पूरा कवर हो रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि मोक्ष पाहुड़ की विषय वस्तु क्या है, कि इस ग्रंथ के अंदर क्या क्या बातें दी गई हैं, क्या क्या समझाया गया है, वो थोड़ा सा देखेंगे। इतना आ गया समझ में आपको? कोंड कुंड इनका नाम था,
कुंद कुंद आचार्य ने लिखा है सौर सैनी प्राकृत में प्रथम शताब्दी ईस्वी में। ये उनकी रचनाएं हैं। समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाए, नियम सार, रैण सार, दस भक्ति, वारसाणु वेखा आदि, और अष्टपाहुड़ भी इन्होंने लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके 8 भाग हैं, दर्शन पाहुड़, सूत्र पाहुड़, चारित्र पाहुड़, बोध पाहुड़, भाव पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, लिंग पाहुड़ और शील पाहुड़। आगे बढ़ते हैं। ये सारे जो भी बोर्ड पे लिखा जा रहा है आप इसको अपनी डायरी पे नोट्स बना सकते हैं। मोक्ष पाहुड़ के नाम से आप अलग पूरी एक नई कॉपी आप बना लीजिए, जो भी लोग क्लास कर रहे हैं। पूर्व सूचना हम इसकी नहीं दे पाए थे कि आज मोक्ष पाहुड़ शुरू होगा, लेकिन अब कई लोगों की मांग थी, बहुत अच्छा ग्रंथ आया था ये, और बहुत ही अच्छा लगा पढ़ाने के हिसाब से, तो इसलिए इसको शुरू किया गया है। अब इसकी विषय वस्तु क्या है? सबसे पहले मोक्ष पाहुड़ में आत्मा के बारे में बताया गया है। आत्मा के 3 भेद बताए गए हैं। आत्मा के 3 भेद, पहले समरी बता रहे हैं पूरे ग्रंथ की, उसके बाद कल से गाथाएं शुरू करेंगे। आत्मा के 3 भेद, सब जानते हैं कि आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, तो लेकिन है कहाँ? किसी ने देखी तो है नहीं। इसके अलग अलग उदाहरणों से आप समझ सकते हैं कि जब भी किसी की मृत्यु होती है तो शरीर को जला दिया जाता है, और सभी धर्मों में माना जाता है कि वो व्यक्ति दोबारा कहीं ना कहीं जन्म ले लेता है अपने कर्मों के हिसाब से। तो जो क्या जन्म लेती है, आपके कपड़े जन्म लेते हैं, आपके मकान जन्म लेता है, आपके गाड़ी घोड़ा जन्म लेते हैं, या आपकी आत्मा जन्म लेती है। जाहिर सी बात है शरीर तो यहीं जला दिया, तो शरीर की वजह से जितने भी हमारे जो भी संबंध थे व्यवहारिक, जहाँ पर हम काम करते थे, रहते थे, जिनको जानते थे, जो परिवार के लोग थे, वो सब यहीं रह जाते हैं। हमारी आत्मा ही हमारे साथ जाती है, यानी आत्मा ही आत्मा के साथ जाती है। बस मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इन्होंने सबसे प्रथम जो गाथाएँ दी हैं आत्मा के बारे में बताया है। आत्मा को 3 प्रकार से बताया है। विषय वस्तु क्या है इसकी, ग्रंथ की, मोक्ष पाहुड़ की? आत्मा के 3 भेद बताए हैं। कौन कौन से? सबसे पहले बताया है बहिरात्मा, जो बाहर वाली आत्मा है, यानी कि जो हम दिखता है। आपने मुझे देखा, मुझे आत्मा समझ लिया, मैंने आपको देखा, आपको आत्मा समझ लिया, जो शरीर को ही आत्मा मानता है, जिसको भेद विज्ञान नहीं है, जो आत्मा और शरीर में अलग अलग भेद नहीं करता, शरीर के लिए ही जीता है, शरीर के लिए ही मरता है, इंद्रियों में ही सुख मानता है, वो सब कौन है? बहिरात्मा। दूसरा है अंतरात्मा। दूसरा बोलते ना, आपकी अंतरात्मा कैसी है, तो अंदर की आत्मा, जो वास्तव में आत्मा है, जो व्यक्ति भेद विज्ञान मानता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से सहित है, तो उन सबको क्या बोलते हैं? अंतरात्मा। जब ध्यान अवस्था में होता है, अपनी आत्मा का ध्यान करता है। उसके बाद अंत में है परमात्मा, परम आत्मा, यानी कि ऐसी आत्मा जो मोक्ष प्राप्त कर चुकी है, या केवल ज्ञान जिसके उत्पन्न हो गया है, जिसको भेद ज्ञान के बाद 8 कर्म नष्ट हो गए हैं, तो वो परमात्मा यानी अरिहंत बन जाती है, या बाद में जाके जब बाकी के 4 कर्म नष्ट हो जाते हैं तो सिद्ध बन जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? परमात्मा। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की आत्मा का निरूपण किया गया है। इसमें बताया है पुस्तक में, जो व्यक्ति सिर्फ स्वधर्म में अनुराग रखता है, यानी कि मेरी आत्मा में ही मैं मस्त हूँ, और पर द्रव्यों से, जो उसके चारों तरफ की चीज़ें हैं, उनसे विमुख रहता है, स्वधर्म में अनुराग और पर द्रव्य से विमुख। अंतरात्मा का मतलब स्वद्रव्य कौन सा है? अपना द्रव्य सिर्फ आत्मा है। स्वद्रव्य में अनुराग और पर द्रव्य से विमुख, जो मेरा नहीं है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है।
बहिरात्मा आत्मा के सुख सुखों में अनुरक्त रहता है, सबसे उत्तम पदार्थ निजात्मा, ये इन दोनों का बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ प्राकृत के इसमें तीन प्रकार से जो बताया है इन तीनों आत्माओं को, तो उसके लिए जो सूत्र दिया है, चौथा गाथा दी है, तिप्यारो सो अप्पा, ये कहाँ लिखा है, इसके लिए प्राकृत में क्या वर्ड है, तिप्यारो, तिप्यारो यानी तीन प्रकार की। अब धीरे धीरे आप प्राकृत भी सीखिए, जिन्होंने सीख रखी है तो उसका अभ्यास शुरू होने वाला है। तिप्यारो तीन प्रकार की, सो सो माने वह, हमने प्राकृत में सीखा था अप्पा, अप्पा माने आत्मा, वह आत्मा कितने प्रकार का है, तीन प्रकार का है। अब इसके लिए क्या बताया शॉर्ट में, पर मंतर बाहिरो, पर मंतर बाहिरो। अब इसकी जब संधि विच्छेद करेंगे, परम अंतर बाहिरो, परम माने परमात्मा, अंतर माने अंतरात्मा, बाहिरो माने बाहिरात्मा। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार की आत्माएं हैं, परम अंतर बाहिरो। आप साथ साथ प्राकृत जरूर सीखिए, जिन लोगों ने पहले प्राकृत का कोर्स नहीं किया है तो इसी बहाने से उनको कुछ 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 शब्द प्राकृत के आने लगेंगे। बहिरात्मा का मतलब जो आत्मा और देह को एक मानता है, बहिरात्मा का मतलब जो आत्मा और शरीर को एक मानता है, देह माने शरीर को एक मानता है, शरीर के ही सुखों में ही आत्मा का सुख मानता है, इंद्रियों सुखों में ही लगा रहता है, निज स्वरूप को भूला हुआ है, ऋय स्वरूप चुओ मूढ दृष्टि है, ऋण देहम अपाणम अज्वस्ती, इस प्रकार से प्राकृत के सूत्र हैं। देह में, स्त्री में यानी अपनी पत्नी में, पुत्र में, इंद्रिय विषयों में मोह रखता है तो वो कौन है, बहिरात्मा, जो बस संसार की चीज़ों के लिए, बाहर की चीज़ों के लिए ही पूरे दिन लगा रहता है, उसको अपनी आत्मा का बिल्कुल भी स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं, बहिरात्मा। ज़्यादातर संसार में लोग, जितने भी जीव जंतु हैं, बहिरात्मा वाले ही मिलते हैं। अंतरात्मा स्वद्रव्य और में अनुराग, परद्रव्य से विमुख रहता है, आत्मा और देह को अलग अलग मानता है। अंतरात्मा का और क्या मतलब है, आत्मा और देह को अलग अलग मानता है, आत्मा और देह अलग अलग हैं, इसको और क्या बोलते हैं, भेद विज्ञान, कि दोनों भेद हैं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इसके लिए कई सारे सूत्र दिए गए हैं कि अंतरात्मा वाला व्यक्ति ध्यान किए गए देव का द्वारा ध्यान जाता है, स्तुति किए द्वारा स्तुति किया जाता है, सम्यक दृष्टि होता है। अंतरात्मा वाला व्यक्ति को क्या बोला है, इसी को सम्यक दृष्टि बोला है, जो अंतरात्मा नहीं है वो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। परमात्मा, अब परमात्मा कौन है, जो मल रहित हैं, जो शरीर रहित हैं, इंद्रिय रहित हैं, जिनके केवल ज्ञान हो गया है, मंगलकारी हैं, शिव करने वाले हैं, शाश्वत हैं, परम जिन हैं, सिद्ध परमेश्वरी हैं, सभी प्रकार के कर्मों से विमुक्त हैं, उनको परमात्मा कहते हैं। केवली सिद्ध कर्म रहित मल रहित इत्यादि जो भी बोले, ये सब क्या है, परमात्मा। अब बहुत अच्छे यहाँ पे सूत्र दिया है एक, कि परमात्मा बनने के लिए आपको क्या करना है, तथ्य परो झाइज झई अंतो वायण चयवी बहिरप्पा, यानी बहिरात्मा को छोड़कर आंतरिक आत्मा के साधन से परमात्मा ध्याया जाता है। परमात्मा बनने के लिए क्या स्टेप है, आपको बहिरात्मा को छोड़ना पड़ेगा, बाहर की विषय वस्तुओं से आपको अपना मन हटाना पड़ेगा।
अंतरात्मा को ध्यान करना पड़ेगा। उसके बाद अंतरात्मा के ध्यान से, अंतरात्मा के साधन से परमात्मा को ध्यान करते करते एक दिन क्या अवस्था आएगी कि आप स्वयं भी परमात्मा बन जाएंगे। इसका प्राकृत का सूत्र लिखते हैं, तथ परो झा इज्जई, परो झा इज्जई। झा माने पहले पढ़ाया था आपको कोर्स में ध्यान करना, इज्जई आ गया तो ये क्या है, वर्तमान कृतांत लग गए, इसमें इज्जई माने जाता है। अंतो वा एड़, अंतो माने अंतरात्मा के लिए, तृतीय विभक्ति लग गई इसमें एड़ लग गया, अंतो वा एड़ अंतरात्मा के द्वारा। चैवी बहिरप्पा, च ईवी बहिरप्पा, च माने होता है छोड़ना, बहिरप्पा यानी कि बहिरात्मा, बहिरात्मा को छोड़कर ये जो परमात्मा को ध्यान किया जाता है अंतो वा एड़ यानी अंतरात्मा के द्वारा। बहि ये प्राकृत में है और इसकी हिंदी क्या है, बहिरात्मा को छोड़कर, ये सब अंदर इसमें गाथाएं दी गई हैं, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट गाथाएं हैं विषय वस्तु बताने के लिए, वो आज कर रहे हैं कि इस पूरे ग्रंथ में किन किन चीज़ों पे मुख्यतः बात की गई है। बहिरात्मा को छोड़कर आंतरिक आत्मा के साधन से या अंतरात्मा के साधन से या अंतरात्मा के द्वारा परमात्मा ध्याया जाता है, परमात्मा। आप कभी भी ध्यान अवस्था में बैठते हैं तो किसको ध्यान करते हैं, परमात्मा को, किसके साधन से, अपनी अंतरात्मा के साधन से। और उस समय के लिए आपको बाहरी जितने भी परिवेश हैं, विषय वस्तु हैं, उनसे दिमाग हटाना पड़ता है। तो बहिरात्मा को छोड़कर, चैवी माने छोड़कर, बहिरात्मा को छोड़कर ध्याया जाता है अंतरात्मा से, किसको ध्याया जाता है, तत् परो यानी वह जो परमात्मा है, परम आत्मा है, भगवान जिसको बोल देते हैं। तो भगवान का मतलब क्या है कि कौन है भगवान, जो कर्मों, जिनको किसी से कोई मतलब नहीं है, जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं या अरिहंत पद को प्राप्त कर चुके हैं, जिन्होंने सारे कर्म नष्ट कर लिए हैं, वो भगवान है। ठीक है, संसार में रहने वाले जीव भगवान नहीं है, जो संसार में अभी राग द्वेष से सहित हैं उनको भगवान नहीं बोला गया है। इसके बाद सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के बारे में गाथाएं हैं, उनका थोड़ा सा रेफरेंस देखते हैं। सम्यक दर्शन, तीन प्रकार के जो मोक्ष प्राप्ति के लिए तीन प्रकार का एक साथ होना बताया है तत्वार सूत्र के पहले पहले सूत्र में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, जो आचार्य उमा स्वामी ने संस्कृत में लिखा है, इसके बाद का ग्रंथ है, तो उसमें भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की बात आती है। वह तीनों बातें मोक्ष पाहुड़ में बताई गई हैं कि ये तीनों का एक समय पर एक साथ होने से ही मोक्ष की प्रशस्ति हो सकती है। तीनों में से यदि एक भी नहीं होगा तो मोक्ष होना बहुत मुश्किल है। सम्यक दर्शन, उसके लिए क्या सूत्र दिया, तम जाड़ सम्मप्पाहम, तुम सब उस सम्यक के महत्व को समझो। तम, पहले तो बताया कि भाई सम्यक क्यों जरूरी है, आपको समझना पड़ेगा। तम जाड़ जाड़ माने जानो, ये यहाँ पर क्या है, विधि एवं आज्ञा जो हमने पहले कोर्स में कराए। तम माने तुम सब क्या करो, सम्य जाण सम्मप्पाहम, सम्म पा
हप्पम, जो सम्यक दर्शन है, सम्यक तो है, सम्पापम माने सम्यक तो, तुम जाड़ह तुम सब सम्यक्त सम्यक्त अपाहम माने महत्व, सम्यक्त के महत्व उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, जाड़ह माने जानो, क्या है वो सम्यक्त। तच्च रुई सम्मतम, तत्वार्थ सूत्र में भी आया है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इसी को संस्कृत में कन्वर्ट कर दिया, यानी तत्वों पर, तत्व के अर्थ पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। यहाँ क्या कह रहे हैं, तच्च रुई सम्मतम यानी तत्व में रुचि रखना, रुई माने रुचि, सम्यक दर्शन क्या है, तच्च रुई। आपको धीरे धीरे प्राकृत के वर्ड भी पता होने चाहिए, हमारे सारे प्राचीन ज्ञान सब प्राकृत में है। तच्च रुई सम्मतम, क्या मतलब हुआ इसका, तत्वों में रुचि सम्यक तो है, तत्वों में रुचि यानी उसमें रुचि रखना, जैसे कि आप लोग यहाँ क्लास कर रहे हैं तो आप लोगों को रुचि है इस चीज़ में, तत्वों में रुचि सम्यक्त है, ये इसकी हिंदी। तच्च माने तत्व, रुई माने रुचि, उसमें हमने ई की डंडी लगा दी क्योंकि एक वचन है तो उसको ईकारांत कर लेते हैं, जो हमने पहले ग्रामर करी थी पिछली क्लासेस में। तत्वों में रुचि क्या है, सम्यक्त है, सम्यक दर्शन है। हिंसा रहित धर्म में, अठार है दोष रहित देव में, वैराग्य उत्पादक शास्त्र में श्रद्धा होने से सम्यक्त होता है। सम्यक दर्शन, जो लोग बलि देते हैं, हिंसक पदार्थों का सेवन करते हैं, मांस इत्यादि का भक्षण करते हैं, जीवों को दुख देते हैं, चाहे मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से उनका बहुत अधिक उनका उपयोग करते हैं, तो वो सब हिंसा से सहित हैं। हिंसा सहित होने के बाद में, चाहे आपके खान पान, रहन सहन, आपका जो विधि विधान इत्यादि में है, चाहे आप पूजा करते में या भजन करते में, यदि आप हिंसा से सहित हैं तो आपको सम्यक दर्शन कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। हिंसा के कार्य सिखाएं, या संसार में जितने भी चतुर्गतियों के दुख हैं, 84 लाख योनियां हैं, उनमें घुमाने के तरीके बताएं। ऐसे शास्त्रों को छोड़कर कौन से शास्त्रों में श्रद्धान करना, जो वैराग्य उत्पादक शास्त्र हैं। किनको इन्होंने वीर बोला, जो जिनका सम्यक दर्शन स्वप्न में भी मलिन नहीं होता है। ये हम नहीं कह रहे, ये सब
कुंदकुंद आचार्य ने गाथाओं में कहा है उसकी अब केवल समरी बता रहे हैं एक प्रीफेस में चार पेज में पहली कक्षा में कि आने वाले जो दिन हैं उनमें क्या क्या विषय वस्तु रहेगी। उन्होंने कहा ऐसा व्यक्ति वास्तव में वीर है, महान है, पंडित है, जो स्वप्न में भी कभी भी जिसका सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता, कभी भी कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए उसमें भी वो कभी भी आक्रोशित नहीं होता, अपने भेद विज्ञान को, शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, जो भी विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं वो केवल बहिरात्मा के प्रकार हैं, बाहरी परिवेश में आ रही हैं, उससे वो स्वयं को हमेशा दूर रखता है, अपनी आत्मा को उससे अलग समझता है। तो स्वप्न में भी जिसका सम्यक दर्शन मलिन नहीं होता ऐसे व्यक्ति का ही गुणगान यहाँ पर किया गया है। सम्यक्त गुण जो है उसे गुण बोला है, अच्छा बोला है, और उसका विपरीत क्या है, मिथ्यात्व, उसको दोष बोला है। सम गुण और मिच्छ दोषो, सम्यक्त किसी के पास है तो वो गुणी है और मिथ्यात्व है तो दोष है। दंसल विहीण पुरिसो ण लहे तम इच्छियम लाहम, यानी सम्यक दर्शन से विहीन जो पुरुष है उसको जो इच्छित लाभ है कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। इच्छित लाभ कौन सा है, जो मोक्ष का लाभ था वो उसे कभी नहीं मिलेगा। बता दें इसको, फोटो खींच लीजिए एक बार। ठीक है, ये वाला सूत्र लिखते हैं, अच्छा लग रहा है सूत्र प्राकृत का, कि सम्यक दर्शन से रहित व्यक्ति को मोक्ष का लाभ नहीं प्राप्त हो सकता। सम्यक दर्शन के अलावा सम्यक ज्ञान और चारित्र भी जरूरी है, सबसे पहले सम्यक दर्शन आता है। देखते हैं प्राकृत की गाथा। दंसण विहीण पुरुषो, दंसण माने सम्यक दर्शन, अरे क्या हुआ, ब्लैक पेन और होगा उधर, ब्लैक वाला और होगा, सूख जाता मुझे लग रहा है। दंसण विहीण पुरुषो, दंसण विहीण यानी दर्शन से जो विहीन है, पुरुषो, पुरुषो माने पुरुष, ड लहे ई तम इच्छी इच्छियम लाहम, क्या मतलब हुआ इसका, अभी जो बोला दर्शन से विहीन, दर्शन से विहीन या रहित, दर्शन से विहीन पुरुष बड़ा माने नहीं, लहे माने प्राप्त करना, प्राप्त किया जाता है, तम माने उसको, इच्छिम माने इच्छित, लाहम माने लाभ, दर्शन से विहीन पुरुष को नहीं प्राप्त होता है इच्छित लाभ। अब इच्छित लाभ क्या है, उसका जो मोक्ष की इच्छा है वो कभी प्राप्त नहीं कर सकता पुरुष, उस इच्छित लाभ मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है, इच्छित लाभ यानी मोक्ष, यह मोक्ष हिडन है, को प्राप्त नहीं करता है। ये बताया गया है अहिंसा, जो श्रावक अहिंसा धर्म का पालन करता है वह सम्यक दृष्टि होता है, और जो हिंसा का पालन करता है वह मिथ्या दृष्टि होता है। अगले बार इन्होंने बताया है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, तीनों को एक साथ ही लेंगे तभी मोक्ष प्राप्त होगा।
जो स्व पर को जानता है वह सम्यक ज्ञान है। तत्वों का ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। सम्यक ज्ञान क्या है? जम जाड़ई तमड़ाड़म, जम जो जाड़ई जानता है, तम लाड़म, लाड़म माने ज्ञान, लाड़म माने मैडम ज्ञान, तम मान जम माने जो, जाड़ई माने जानता है, जो उस ज्ञान को जानता है, जो अब उस ज्ञान क्या है, जो स्व पर को जानता है वह सम्यक ज्ञान है। इसका मतलब क्या निकाला? जो भेद विज्ञान को जानता है, स्व और पर यानी कि आत्मा और शरीर अलग अलग है, जो ये जानता है, जो स्व पर को जानता है वह क्या है? सम्यक ज्ञान है। वह सम्यक ज्ञान है। इसके बाद तच्च गहणम च हवई शरणाणम, तत्वों को ग्रहण करना यानी उसका ज्ञान प्राप्त करना, हवई माने होता है शरणाणम यानी सम्यक ज्ञान। तच्च गहणम, तच्च माने तत्व, तच्च गहणम च हवई शरणाणम, च हवई शरणाणम, क्या मतलब हुआ इसका? तत्वों का ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। तत्वों का ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। ठीक है, इसके बाद अंत में सम्यक चारित्र। ये फोटो ले लो इसकी, बोर्ड की या उसकी ले रखी थी ना, ले लो फिर वो मिटाने। अब हम देखेंगे सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र का मतलब आत्मा में समता धर्म होता है, यानी कि आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, आपको दर्शन हो गया, लेकिन आपने कोई क्रिया करी नहीं। जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं करेंगे, अपने चारित्र को सुदृढ़ नहीं बनाएंगे, तब तक आप मोक्ष की सिद्धि नहीं कर सकते। आपको पता है ये नदी है, इसको नाव में बैठकर ऐसे ऐसे पार किया जा सकता है, आपको पूरा ज्ञान है। जब तक आप नाव में बैठेंगे नहीं या जब तक आप तैरेंगे नहीं, आपको सिखा दिया गया कि ऐसे तैरना है, आपको पूरा विश्वास है कि ऐसे तैर के ये नाव, ये नदी पार की जा सकती है, लेकिन जब तक आप खुद से नदी में कूदेंगे नहीं, तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। केवल ज्ञान से और दर्शन से कुछ नहीं होने वाला। चारित्र का मतलब है कि आपको खुद से अपने चरित्र में, आपको वो जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है सद्धान करने के बाद, आपको उस पर अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट अनुभव करना है, तभी आप चारित्र प्राप्त कर सकते हैं। आप दूसरों को तो सिखा सकते हैं कि ऐसे ध्यान करो, वैसे ध्यान करो, लेकिन जब तक आप स्वयं में उसकी अनुभूति करने का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक चारित्र नहीं हो सकता। सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्र। क्या कहा सम्यक चारित्र में? आत्मा में समता धर्म होता है, त्याग चारित्र है। जब तक स्वयं त्याग नहीं करेंगे बहिरात्मा का, तब तक कैसे होगा? चारित्रम परिहारो, परिहारो पुण्य पावाणम, पुण्य पाप का त्याग ही चारित्र है। व्रत और तप के द्वारा स्वर्ग तो प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। अव्रत से स्वर्ग प्राप्त किया जाना अच्छा है। इसमें कुछ सूत्र लिखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सूत्र इसमें लिखे हैं इन्होंने। चारित्तम परिहारो, चारित्तम परिहारो,
यानी कि त्याग, परिहारो माने त्याग करना, चारित्रम माने चारित्र है, त्याग चारित्र है, इसका अर्थ क्या है, त्याग चारित्र है। अब बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है कि बहुत सारे लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो लिखी आचार्य कुनकुन ने, कि बोलते हैं कि पंचम काल में मोक्ष नहीं होना, चतुर्थ काल तक होता था, अभी परिस्थितियां ठीक नहीं है, तो चारित्र धारण करने की जरूरत क्या है, हमें तो ज्ञान है, श्रद्धान है, बहुत अच्छी बात है, चारित्र अगले भव में हम धारण कर लेंगे। तो उनके लिए बहुत अच्छी बात लिखी कि व्रत और तप के द्वारा स्वर्ग प्राप्त किया जाना अधिक अच्छा है बजाय इसके कि आपने अव्रत, यानी कि कोई नियम नहीं लिए, कोई व्रत नहीं लिए, और अव्रत और अतप के कारण नरक में जाना। जब आपको अगले भव में जाके मोक्ष प्राप्त करना है तो बीच में जो आयु मिलेगी, जो योनि मिलेगी, उसमें आपको वेट करना है, तो आप थोड़ा बहुत सुख साधन के साथ में वेट कर लीजिए, बजाय इसके कि आपने यहाँ पर अव्रत किए, आपने बहुत हिंसा आदि की, पाप किए, और आपको अगले भवों में नरक गति का बंद हो गया, वहाँ जाना पड़ गया, उसके बाद पता नहीं मौका मिला या नहीं मिला मोक्ष जाने का, सब भूल भाल गए पिछले कर्मों में, जो आपने पिछले भवों में कार्य किए थे। तो क्या बोला उन्होंने, व्रत और तप के द्वारा बेटर है कि आप स्वर्ग चले जाएं, बजाय इसके कि आपने अव्रत और अतप किए और नरक में चले गए। और उसका उदाहरण कैसे दिया 25 नंबर की गाथा में, कि जैसे कोई व्यक्ति को प्रतीक्षा करनी है तो प्रतीक्षा करते हुए छाया और गर्मी में ठहरे हुए व्यक्तियों में बहुत भेद होता है। एक व्यक्ति कहीं भी प्रतीक्षा कर रहा है तो छाया में, एक तो पेड़ के नीचे कर रहा है और एक धूप में कर रहा है, तो धूप में करने में अननेसेसरी आपको कष्ट होगा और छाया पेड़ के नीचे आपको पता भी नहीं चलेगी या आपका मन लगा रहेगा। तो उसी प्रकार से जो स्वर्ग का सुख है वो छाया को उदाहरण दिया और नरक का दुख एक धूप का उदाहरण दिया। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, कोई भी आपको बोले कि भाई व्रत तप करने का क्या फ़ायदा है, इस जन्म में कोई फल तो मिलेगा नहीं, तो फल नहीं मिलेगा, लेकिन हम स्वर्ग में जाके मोक्ष की प्रतीक्षा कर सकते हैं। आप जो व्यक्ति जो व्रत या तप नहीं करता है तो वो नरक में जाके प्रतीक्षा करेगा। कोई भी मेरा नहीं है, मैं अकेला हूँ, ऐसी भावना से ही शाश्वत सुख प्राप्त किया जा सकता है। फिर आगे उन्होंने एक गाथा में बताया, 60 नंबर की गाथा में, कि तप तो वो भी करते हैं जिनका मोक्ष निश्चित है, जो तीर्थंकर हैं, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो भी सिद्ध पद प्राप्त करने के लिए तप फिर से करते हैं, तप करते रहते हैं, निरंतर ध्यान अवस्था को ध्याते रहते हैं। तो हम सबको भी तप करना चाहिए। हम लोग सोचें कि भाई हमें तो बहुत ज्ञान हो गया, हमें तप करने की ज़रूरत नहीं, नहीं, तप से ही मोक्ष प्राप्त होगा, तप को ही चारित्र बोला है। जब तक खुद से एफर्ट नहीं करोगे, भले ही अब दुनिया में कितना भी सिखा दो कि कैसे, जैसे तैरने का उदाहरण दिया था, कोई भी वाहन चलाने का उदाहरण है, लेकिन जब तक खुद से नहीं चलाओगे, चारित्र धारण नहीं करोगे, तो नहीं हो सकता। ज्ञान, सम्यक चारित्र तथा सम्यक दर्शन के बिना बाह्य तपों से संयुक्त है, तो कौन सा सुख प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से ये इन्होंने सम्यक चारित्र के बारे में बात करी। फिर आगे कई सारी गाथाएं हैं, ध्यान योग, ध्यान योग के ऊपर कुछ गाथाएं हैं, उसके बाद बस ध्यान योग करा के आपकी आज कक्षा समाप्त हो जाएगी और कल से गाथाएं प्रारंभ हो जाएंगी। ध्यान योग, आत्मा दर्शन ज्ञान से संयुक्त है, आहार आसन निद्रा पर विजय प्राप्त करके निज आत्मा को ध्यान करना चाहिए। सिद्ध आत्मा उत्तम ज्ञान और दर्शन से पूर्ण होती है, योगी उसका ध्यान करता है। तप से तो स्वर्ग सभी प्राप्त करते हैं, ध्यान योग से स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है और परलोक में भी शाश्वत सुख प्राप्त किया जा सकता है। पर द्रव्य से विमुख होकर के जो भी व्यक्ति अपने स्वद्रव का ध्यान करता है वो मोक्ष सुख की प्राप्ति करता है, निर्वाण को प्राप्त करता है। अब ध्यान कैसे लगाना है, मिथ्यात्व यानी कि सम्यक दर्शन को अपनाएगा, मिथ्यात्व को छोड़ेगा, अज्ञान
बहुत सारे सेंटर चल रहे हैं आजकल मेडिटेशन कराने के पूरे विश्व में। वाकई में वो जितने भी मेडिटेशन हैं आपको थोड़ी देर के लिए शांति दे सकते हैं, बाह्य प्रवेश से हटकर आप ध्यान लगाते हैं, लेकिन अगर मोक्ष सुख पे आपको जाना है तो आपको सबसे पहले मिथ्यात्व को छोड़ना पड़ेगा, अज्ञान को छोड़ना पड़ेगा, पाप और पुण्य इन सब से विरक्ति पानी पड़ेगी। पाप और पुण्य को छोड़कर मौन पूर्वक ध्यान में लीन होगा। इन सबको क्या करना है, आपको छोड़ना है। न पाप की इच्छा करनी है, न पुण्य की इच्छा करनी है, अच्छे कार्य करने हैं, सब अपने आप होगा। को छोड़कर मौन पूर्वक जो ध्यान है उसे ध्यान योग कहते हैं। जो पुद्गल मेरे द्वारा देखा जाता है वो बिल्कुल नहीं जानता है। कितनी बढ़िया बात बोली। सारी चीज़ें संसार में हमने 6 द्रव्य जप कराए थे, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। पुद्गल क्या है, जो बाहरी परिवेश जितना भी दिखाई देता है वो किसी को नहीं जानता है, और जो असली माल है, जो आत्मा है, वो मैंने कभी देखी नहीं आज तक, तो मैं बाहर के पुद्गल में मन क्यों लगाऊं। ममता रहित जीव हिंसा रहित है, वही निर्वाण प्राप्त करता है। निर्वाण कौन प्राप्त करता है, हिंसा रहित, यानी कि किसी भी प्रकार की हिंसा से, कोई भी ऐसे पदार्थ का सेवन नहीं करता जो हिंसक हो, जीव हिंसा से आए हो, या किसी के मन वचन काय को दुख पहुंचा के आए हो, हिंसा रहित। और दूसरा क्या है, ममता रहित। जो ध्यान किया जाता है, असली ध्यान, जिसमें मान लो ध्यान लगा रहे हैं और उसमें सोच रहे हैं किसी दूसरे जीव को कैसे कष्ट देना है, कैसे रुपया पैसा ज़्यादा कमाना है, कैसे हमें अपने परिवार की कोई सुख शांति के लिए कोई भावना हमने रख ली, तो वो सब असली ध्यान नहीं है। वो थोड़ी बहुत आपको सुख दे सकता है लेकिन मोक्ष का सुख नहीं दे सकता, उससे आपको निदान भी पल सकता है। इससे क्या होता है, हिंसा रहित ममता रहित ध्यान से निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष पावड़ में शुरू से लेके अंत तक निर्वाण के बारे में ही, मोक्ष के बारे में ही चर्चा रहेगी। वह जीव भयानक संसार रूपी महासागर से बाहर निकलने के लिए कर्म रूपी ईंधन को जलाने वाली शुद्धात्मा का ध्यान करता है। 26 नंबर की गाथा में दिया है, संसार को क्या वो दिया है, संसार रूपी महासागर भयानक है, और उससे बाहर निकलने के लिए जो कर्म है, जो ईंधन है, कर्म रूपी ईंधन, उसको जलाने वाला ध्यान करता है। अब बहुत इम्पॉर्टेंट गाथा दी है 76 नंबर की। ये भी बहुत लोगों में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि इस काल में तो ध्यान हो ही नहीं सकता। 4 प्रकार के ध्यान हैं, आप लोगों ने तत्वार्थ सूत्र में पढ़े हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त और रौद्र तो बुरे ध्यान हैं, धर्म और शुक्ल अच्छे वाले ध्यान हैं। अब जो धर्म शुक्ल ध्यान किसको होगा, परमात्मा के समय पर जब अरिहंत भगवान बनने वाले हैं, और उससे पहले तक का धर्म ध्यान है, तो बहुत अच्छी गाथा दी है कि दुखमा काल में भी क्या है, आत्म सुबह यानी पंचम काल में धर्म ध्यान हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी गाथा है, इम्पॉर्टेंट है कि लोग बोलें कि धर्म ध्यान अच्छे वाले ध्यान इसमें हो ही नहीं सकता, नहीं, बिल्कुल खंडन किया 76 नंबर की गाथा में। भरत क्षेत्र में, आप नोट कर लीजिए इसको, भरत क्षेत्र में, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आचार्य कुंद ने कहा है मोक्ष पावड़ में, दुखमा काल में, हम एज इट इज जो ग्रंथ में लिखा है बस वही बताएंगे, कोई इसमें प्रवचन टीका इत्यादि कुछ भी नहीं की जा रही है, बिल्कुल टू द पॉइंट बात की जा रही है ग्रंथ की। मैं भी आत्म स्वभाव में स्थित होने पर, आत्म स्वभाव में स्थित होने पर साधु के निश्चय ही धर्म ध्यान होता है। गृहस्थ के नहीं हो पाएगा, साधु के, क्योंकि गृहस्थ बहुत सारे परवेशों से घिरा रहेगा, साधु के निश्चय ही, ये नहीं बोला कि हो सकता है,
अगर वो आत्म स्वभाव में स्थित हो गया ध्यान अवस्था में, तो साधु के निश्चय ही धर्म ध्यान होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे मतभेदों को, जो शंकाएं हैं, ये एक लाइन उसको समाप्त कर सकती है। कहाँ लिखा है? 76 नंबर की गाथा में। उसके बाद इन्होंने कहा कि अरिहंत के द्वारा जो कही गई जिन मुद्रा है उससे ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जिन मुद्रा क्या है? निर्ग्रंथ अवस्था है, तो उसी के द्वारा, क्योंकि तभी वो गृहस्थ से बाहर निकलेगा, वस्त्र इत्यादि का त्याग करेगा, तभी मोक्ष सुख उत्पन्न हो सकता है। जिन मुद्रा जो अरिहंत ने बताई है, जिनको जिन मुद्रा स्वप्न वह भी नहीं रुचती, वो संसार रूपी वन में रहते हैं। संसार को एक जंगल बताया, वन बताया, जिनको जो जिन मुद्रा है, जो अरिहंत की मुद्रा है, उनको सपने में भी अच्छी नहीं लगती, उससे चिढ़ते रहते हैं, तो उनको कभी भी मोक्ष सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। उसके बाद इन्होंने स्वद्रव्य और परद्रव्य में भेद बताए हैं, और फिर ज्ञानी और अज्ञानी के भेद बताए हैं। ये शकुंतला जी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और ये हमने जो आज भूमिका बनाई है, कल से हम पहली गाथा शुरू करेंगे, बस आज पढ़ लेते हैं। और आप लोगों को बहुत बहुत शुभाशीष कि आप लोग मोक्ष पाउट सीख रहे हैं, प्राकृत का ग्रंथ, पहली गाथा पढ़ते हैं, और कल से इसको लिख के एक एक शब्द का अर्थ लिखेंगे, विभक्तियाँ लिखेंगे और शब्दार्थ करेंगे। प्राणमयम अपाणम, साथ साथ बोलिएगा, प्राणमयम अपाणम, उबलद्धम जेड़, झड़ीयकम मेण, चयूड़य परदव्यम, रमो रमो तस् देवस। बहुत बढ़िया। प्राकृत भाषा प्राकृतिक भाषा है, बच्चों की भाषा है, स्त्रियों की भाषा है, प्रकृति से उत्पन्न भाषा है, पहले यही चलती थी। ऐसा आया है कि अनादि काल से अनंत काल तक प्राकृत शाश्वत है, हमेशा रहने वाली है, और उसके अलग अलग भेद समय के काल के प्रभाव से होते रहेंगे, लेकिन प्राकृत प्रकृति की देन है, तो हमें ये सीखनी है। और उसके रचित जितने भी ग्रंथ हैं उनको हमें सीखना है। इन्हीं भावनाओं के साथ में आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं। जय बोलिए आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय, जय बोलिए महावीर भगवान की जय, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय, जय बोलिए मोक्ष पाहुड ग्रंथ की जय। नमो जुड़ाड़म, जय दू जड़ंदो, जय दू जड़ंदो, जय जिनेन्द्र।